मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार प्रदेश की सेंट्रल और जिला जेल में मनाया जाएगा। इस संबंध में जेल विभाग की ओर से निर्देश जारी हुए। इतना ही नहीं, इस मौके पर विशेष माफी के लिए अच्छा काम करने वाले कैदियों की सूची भी जेल प्रबंधन से मांगी गई। इंदौर से 400 कैदियों की सूची भेजी गई, जिस पर मुख्यालय द्वारा विशेष माफी का निर्णय लिया जाएगा। विशेष माफी के तहत कैदियों को सजा में 2 माह तक की राहत मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर को इस बार सेंट्रल और जिला जेल में भी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जेल विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए। यह पहला मौका होगा जब प्रदेश की जेलों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन होगा। जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में आयोजन किया जाएगा। जेल मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि जेल विभाग की मंशा है इस बार जेलों में भी खासतौर से सेंट्रल जेल और जिला जेल स्तर पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाए और समारोह पूर्वक मनाया जाए। उसमें किसी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाए। इतना ही नहीं, इस अवसर पर महानिदेशक जेल की ओर से अच्छा काम करने वाले बंदियों को विशेष माफी की घोषणा भी की जाएगी। इसके लिए इंदौर से भी बंदियों की जानकारी मांगी गई। जेल अधीक्षक के अनुसार इंदौर से सेंट्रल और जिला जेल के लगभग 400 बंदियों के नाम मुख्यालय में भेजे गए हैं। 1 नवंबर के पहले विभाग को विशेष माफी पाने वाले कैदियों के नामों की सूची मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से जो बंदी जेल में अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे महानिदेशक जेल महोदय द्वारा जानकारी एकत्रित करके और वहां से शासन से उसका अनुमोदन प्राप्त करके विशेष माफी की घोषणा किया जाना प्रस्तावित है। उसका आदेश आने पर ही उसकी संख्या और कितनी कितनी माफी दी जा रही है इसकी जानकारी दी जा पाएगी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर कैदियों द्वारा विविध कला का प्रदर्शन होगा। इसके अंतर्गत भगोरिया, मिमिक्री, मलखम आदि का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।